सख्त थी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। क्या पुलिस बिल्कुल लाचार थी? देखिए किस तरह से वहां पर, किस तरह से, क्या माहौल था उस वक्त, किस तरह का मंजर था, आपको सुनवा रही हूं। मच जाती है भगदड़ वहां पर, मच जाती है रात का वो अंधेरा। और ये देखिए किस तरीके से वहां पत्थरबाजी होती है, मोटे मोटे पत्थर उठा के वहां पर। तो ये पूरी प्लानिंग थी पहले से कि शोभा यात्रा जैसे ही माधुनगर से गुजरेगी वैसे ही उस पर आपको अटैक करना है, और बार बार इस तरह से। अब दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, किस तरह से वो जो गाड़ियां, वो जो वाहन वहां पर खड़े थे, उनके शीशे एकदम चकनाचूर कर दिए गए। इलाके में तनाव व्याप्त है, पुलिस अब जरूर वहां पर तैनात है, लेकिन पुलिस तो तब भी तैनात थी जब वो यात्रा वहां से निकाली जा रही थी। तो फिर आखिर क्यों बार बार हिंदुओं की इस यात्रा को निशाने पर लिया जाता है? क्यों बार बार इस तरह के नफरती बीज जो हैं वो बोए जाते हैं? क्यों बार बार देश को खंड खंड करने वाले जो तमाम इस तरह की गतिविधियां हैं वो की जाती है? शोभा यात्रा पर लेकिन जिस तरह से पथराव हुए उसके बाद सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। वो सवाल एक एक कर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, पहला सवाल ये कि वडोदरा में नफरती पत्थर किसने और क्यों फेंके, आखिर क्या इसके पीछे की मनशा थी? दूसरा सवाल ये कि क्या वडोदरा का माहौल खराब करने की ये साजिश है? अमन चैन शांति अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरा सवाल ये कि पुलिस के सामने शोभा यात्रा पर पथराव हो रहा था, कैसे हो गया? चौथा सवाल ये कि शोभा यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ गई? क्यों नहीं कोई कंट्रोल था पुलिस का? क्या पुलिस को नहीं पता था कि यहां से ये शोभा यात्रा निकलनी है? क्या पुलिस से किसी तरह की कोई इजाजत नहीं ली गई थी? पुलिस से, प्रशासन से बाकायदा इजाजत ली गई होगी तभी वो शोभा यात्रा वहां से निकली होगी, बताया गया होगा कि कितने लोग इसमें शामिल होने हैं, फिर क्यों नहीं आखिर कंट्रोल कर पाई पुलिस वो स्थिति? पांचवा सवाल ये कि क्या पुलिस के पास पथराव की साजिश का कोई इनपुट नहीं था? ये कोई प्लानिंग इस तरह की हो रही है क्या? ये इंटेलिजेंस अगर यहां पर माने LIU यहां पर, क्या ये फेलियर नहीं है? छठा सवाल ये कि शोभा यात्रा पर पथराव के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया? तनाव व्याप्त है, पुलिस अब जरूर वहां दिखाई दे रही है, थी तब भी, लेकिन तब उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों होने दी गई ये घटना? सातवां सवाल ये कि देश में सनातन के खिलाफ जहर कौन घोल रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। राजस्थान हो, बंगाल हो, बिहार हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। तो फिर आखिर क्यों नहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर कोई काबू पाया जाता है, और कौन है जो नहीं चाह रहा है कि देश में अमन चैन बरकरार रहे? सद्भावना की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो फिर आप ये सोचिए कि वो अमन चैन, वो भाईचारा, वो सद्भावना आखिर कैसे बन पाएगी? एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और फिर रिपोर्ट के जरिए, लेकिन उससे पहले आपको यहां पर ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ये ग्राफिक्स के जरिए कि क्या माहौल उस वक्त था। श्री जी का आगमन हुआ था और श्री जी के आगमन के वक्त वहां पर जैसे ही माधुनगर से ये यात्रा गुजर रही थी तो कुछ ऐसे अराजक तत्व, कुछ ऐसे उपद्रवी जो वहां पर आते हैं हुड़दंग करते हैं, पैटर्न एक ही जैसा देखा जाता है। कैसे इतनी तादाद में, कैसे इतनी संख्या में वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, फिर पत्थर भी उनके पास है, वो पत्थरबाजी वहां पर करने लगते हैं, वाहनों को वहां पर तोड़ देते हैं, लेकिन पुलिस का कोई कंट्रोल नजर नहीं आता है। बार 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 ये नफरत के बीज क्यों बोए जाते हैं? बार बार जो हिंदुओं की यात्रा है वो आखिर क्यों निशाने पर ली जाती है? यही कोई और यात्रा अगर होती तो क्या उसको इसी तरह से निशाना साधा जाता? और अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या स्थिति होती, ये देखने वाली यहां पर बातें। लेकिन एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि क्या दरअसल उस दिन हुआ था। गुजरात के वडोदरा में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर सनातन और हिंदू संस्कृति से इतना बैर किसे और क्यों है? सनातन से आखिर इतनी चिढ़ क्यों है? सनातन के खिलाफ ये जहर कौन घोल रहा है? और बार बार सनातन परंपरा पर ऐसे वार की तस्वीरें क्यों सामने आती हैं?
भगवान गणेश की पूजा हर जगह हो रही है, उस दौरान जो है पत्थरबाजी किया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कब तक भाईचारा? हम भाई कहते रहे, दूसरा चारा की तरह हमें स्वागत पत्थरों से करे और हमारे पर्व, हमारे मान्यता पर कुठारा घात करे और हम भाईचारा भाईचारा करते रहे। वडोदरा के माधो नगर की ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि सनातन से चिढ़ने वाले किस हद तक जा सकते हैं। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़, इस बात का इशारा है कि माहौल खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जानकारी के मुताबिक वडोदरा के माधो नगर से श्री जी आगमन यात्रा गुजर रही थी, तभी विशेष समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिए। पत्थरबाजी शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। शोभा यात्रा में शामिल लोग डर गए, पुलिस भी सामने थी, लेकिन उपद्रवी और अराजक तत्व अपने नापाक मंसूबे धड़ल्ले से अंजाम दे रहे थे। इस्लामिक जिहादी फोर्सेस ने अपने हमेशा के स्टाइल से जो पत्थर भी भांजने की जो प्रवृत्ति है, जो पत्थर मारने की उनकी संस्कृति है, उसका पुनः परिचय दिया। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन प्रशासन को भी आगे से इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होगा कि आखिरकार हिंदुओं को भी यात्रा निकालने की अनुमति है कि नहीं। आखिरकार हिंदू समाज की सुरक्षा कौन करेगा? विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि इस्लामिक जिहादी फोर्सेस एक्टिव हो रही हैं, पत्थरबाजी में इनका ही हाथ है। लेकिन सवाल वडोदरा पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं, आखिर शोभा यात्रा पर पथराव कैसे हो गया? क्या पुलिस के पास ऐसी कोई खुफिया जानकारी नहीं थी कि शोभा यात्रा पर पत्थर बरसने वाले हैं? जिस रास्ते से शोभा यात्रा गुजर रही थी, अगर वो इलाका संवेदनशील था तो फिर वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही कैसे बरती गई? कुल मिलाकर सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या हिंदुओं की शोभा यात्रा पर नफरती पत्थर बरसाकर उपद्रवी दंगा, हिंसा और माहौल खराब करवाना चाहते हैं? किसके बीच नफरत के बीज बोने की कोशिश करते हैं? हिंदुओं के खिलाफ ऐसी नफरत दिखाकर आखिर किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बंगाल हो, बिहार हो, दिल्ली हो या फिर गुजरात, हिंदुओं की शोभा यात्रा टारगेट पर क्यों रहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।